हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अक्षर राठौर फिटनेस कोच। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, मैं थोड़ा सा वास्ट टॉपिक लेने वाला हूँ और थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्रोटीन पाउडर के बहुत से मिथ्स होते हैं आज भी मार्केट में। लोग कहते हैं डब्बा है, डब्बे में पाउडर है, पाउडर से बॉडी बनती है। बट एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था प्रोटीन के बारे में। बट आज मैं रॉ कॉन्सेंट्रेट और प्रोटीन के बारे में बात करने वाला हूँ आपसे। तो रॉ प्रोटीन क्या होता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने एक कंपनी का मैंने प्रोडक्ट खरीदी किया है, मैं उसको पर्सनली यूज कर रहा हूँ। ओके, वो भी मैं 4 किलो का मैंने जार मंगवाया है। उस वीडियो को देखने से पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो दोस्तों, अभी बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है बेल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और एक लाइक ठोक दीजिए दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक होने वाला है रॉ कॉन्सेंट्रेट। ओके, सो ये रॉ प्रोटीन मेरे पास में है और कौन से कंपनी का है वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्रोक्विस्ट करके नहीं क्या कंपनी है, मैं इसका रॉ प्रोटीन यूज कर रहा हूँ दोस्तों। और ये पैकेट अगर देखोगे तो यहाँ से नहीं क्या ओपन अप है। ओके, सो मैंने ओपन कर चुका हूँ इसको, ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ मैं इसे। और रॉ यूज करने का रिजल्ट एक होता है दोस्तों कि 80% इसमें प्रोटीन आपको मिलता है। अभी रॉ प्रोटीन क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। रॉ प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है दोस्तों, जब नहीं क्या मिल्क होने क्या हमने क्या क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन करते हैं और चीज बनाते हैं या फिर पनीर बनाते हैं, और रिमेनिंग जो सोर्स ऑफ ने क्या पानी रह जाता है। ओके, चीज बनाते हुए जो पानी रह जाता है तो वो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको ड्राई करके सॉलिड फॉर्म में लेकर ड्राई फॉर्म में बनाते हैं, तो वो होता है दोस्तों आपका रॉ प्रोटीन। अगर उसमें अगर कुछ स्वीटनर्स ऐड करते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेट बन जाता है दोस्तों। बट ये प्रोडक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोक्विस्ट का, ये अनफ्लेवर है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो अनफ्लेवर्ड है, यानी कि रॉ मुझे मिला, मैंने ये खरीदी किया है। ओके, और 4 kg का नहीं क्या, 4 kg का नहीं क्या ये प्रोडक्ट है। इसमें नो एडेड कोई प्रिजर्वेटिव है, नो शुगर है। ओके, साथ ही साथ मुझे पर स्कूप के हिसाब से मैं जो है अभी कितने वैल्यूज मिलने वाले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। स्क्रीन के ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें सर्विंग पर कंटेनर है दोस्तों 1 से 21, यानी कि 121 कंटेनर इसमें पर स्कूप है। एक स्कूप के हिसाब से प्रोटीन मिलने वाला है, उसको डिवाइड करके नहीं क्या इसमें डाला गया है। तो जैसे कि पर स्कूप के हिसाब से अगर मैं बात करूं दोस्तों, 26.40 ग्राम, यानी कि 27.5 ग्राम मुझे नहीं क्या प्रोटीन मिलने वाला है एक स्कूप में से। साथ ही साथ इसमें शुगर अगर देखा जाए दोस्तों, तो शुगर 3.6 है, जो कि नहीं क्या लैक्टोज शुगर होता है, यानी कि जिसे हम मिल्क से बना हुआ जो है वो है, आर्टिफिशियल कोई डाला हुआ नहीं है। साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, तो सोडियम है इसमें, पोटेशियम है, कैल्शियम भी अच्छा है। ओके, क्योंकि रॉ कॉन्सेंट्रेट है, रॉ प्रोटीन है करके। साथ ही साथ अमीनोप्रोफाइल टोटल इसमें दिए गए हैं, और अमीनोप्रोफाइल इसमें 12.62 ग्राम आपको अमीनो मिलने के यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें लेकर कंडीशनल इसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपको मिलेंगे 8.60 ग्राम, और नॉन इसेंशियल भी इसमें अमीनो एसिड से हुए 5.71 ग्राम। तो ये प्रोडक्ट ने क्या बहुत ही लाजवाब मुझे ने क्या मिला है दोस्तों अफोर्डेबल प्राइस में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझे BCAA, EAA लेने की जरूरत नहीं है अगर आप रॉ यूज कर रहे हो तो। सिर्फ रॉ यूज करते समय एक ही आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कि आपको पचने में हार्ड रहता है, तो वो डिपेंड करता है आपको लैक्टोज टॉलरेंस का प्रॉब्लम अगर है, यानी कि आप दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं वो खाने से आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ये मत खरीदिएगा। मैं आपको स्ट्रिक्टली नहीं के यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दूध से। अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको कोई तकलीफ नहीं है, देन यू कैन गो विद दिस। इससे आप नहीं क्या मसल गेन भी कर सकते हो, फैट लॉस भी कर सकते हो, सिर्फ आपका डाइट अच्छा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये मुझे कितने में गिरा है, सो अप्रोक्सीमेटली मुझे ये कंपनी की तरफ से जो मैंने ऑर्डर किया था, तो आराम से 5,200-300 के आसपास नहीं क्या मुझे मिला है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से भी खरीदी कर सकते हो, ठीक है। सो रॉ वे के बारे में ये वीडियो था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रॉ वे कौन कौन यूज कर सकते हैं, जो व्यक्ति को लैक्टोज टॉलरेंस का प्रॉब्लम नहीं है वही यूज कर सकते हैं, जो एथलेट्स है बहुत से एथलेट्स रॉ को भी यूज करते हैं, अनफ्लेवर करते हैं। अब फ्लेवर के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो, तो फ्लेवर के लिए इसमें आप दोस्तों ऐड कर सकते हो, लाइक आप ओट्स के साथ में ले सकते हो इसको, लाइक आप एप्पल के साथ में एप्पल जूस एप्पल भी डाल सकते हो, बनाना डाल सकते हो, वेट गेन करना हो आपको तो, फैट लॉस करना हो तो आप नॉर्मल लेने का पानी में लेकर नॉर्मल सा ये डाल सकते हो, क्या कहते हैं उसे, कोको पाउडर वगैरह डाल सकते हो, स्वीटनर वाला रहता है तो थोड़ा सा चम्मच के हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मसल गेन करना है तो मसल गेन के लिए भी अच्छा है, बट आपको लैक्टोज टॉलरेंस का प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, यानी कि दूध से बने हुए पदार्थ से आपको कोई डाइजेशन में इशू ना हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा आपको कोई प्रकार के किसी भी प्रकार के आपको एंजाइम्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ कोई भी प्रकार के एंजाइम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी में नेचुरली हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो गट में पाए जाते हैं, जो हर प्रोटीन को डिजोल्व कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकते हैं। जैसे आप अगर चिकन खाते हो,
तो आपको कोई एंजाइम खाने की जरूरत है क्या? नहीं है। दूध पीते हो तो कोई एंजाइम्स की जरूरत नहीं होती है। अगर आप अंडे खाते हो तो जरूरत नहीं होती, पनीर खाते हो तो भी जरूरत नहीं, सोया खाते हो तो भी जरूरत नहीं। तो ऑलरेडी बॉडी प्रोड्यूस करती है, हमारे बॉडी में गट बैक्टीरिया होता है जैसे कि ट्रिप्सिन, कायरोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीट्रिप्सिन, ये निका तीन प्रकार के निका हमारे निका हार्मोन्स जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, इससे आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ जाता है। आई होप दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ है बट इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी कि कॉन्सेंट्रेट कैसे यूज करना है, रॉ कैसे यूज करना है। ओके तो ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों, थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा, तब तक के लिए आपको चैनल को लाइक कर देना है, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, बहुत बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। टिल देन कीप शाइनिंग, जय हिंद दोस्तों।